नरसिंहपुर जिले में अवैध शराब के परिवहन को लेकर पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था, साथ ही जिले की पुलिस पर संलिप्तता के आरोप भी लग रहे थे, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षिका डॉक्टर मोनिका शुक्ला द्वारा अवैध शराब को पकड़ने के उद्देश्य से प्रत्येक थाने में एक विशेष टीम गठित की, जिस पर करेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर एक मारुति वैन से करेली पुलिस ने करीब 1,30,000 रुपए मूल्य की अवैध देशी शराब बरामद की। मारुति कार में बैठे आरोपी सत्येंद्र घोषी उर्फ शेरू एवं प्रीतम महोविया नरसिंहपुर ने भागने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने धर दबोचा, जबकि एक भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी की थी कृष्णा ढाबा के समीप, मौके पर घेराबंदी करके मारुति वैन को पकड़ा गया, जिसमें दो आरोपी मौके पर गिरफ्त में ले लिए गए हैं। वाहन में 52 पेटी देशी शराब पाई गई है। एक आरोपी जरूर वहां पास के गन्ने के खेत से होते हुए निकल भागने में सफल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। नरसिंहपुर जिला ब्यूरो संजीव पटेल की रिपोर्ट।